बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं या किस प्रकार से आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा और इसमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर किस प्रकार से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल टेक विद बिट्टू पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप यहां से आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे और इस पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे ले पाएंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा। तो आप छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो को आप स्किप कर देते हैं जानकारी अधूरी रह जाती है। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट की crs.org.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक साइनअप है, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड आप यहाँ से बना सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्टली अगर बनाने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आपको स्क्रीन पर जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्टली आप वहां से कॉन्टैक्ट करके आप आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। जिसमें आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर मुझसे डायरेक्टली आईडी लेते हैं तो आपको 300 रुपये आईडी के चार्ज लगेंगे और 100 रुपये आपको वैलेट में दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने पर 30 रुपये चार्ज कटने वाले हैं। तो किस प्रकार से आईडी मिलेगा, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करके आप आईडी ले सकते हैं। मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ दिए गए इस कैप्चा को डालकर लॉगिन पर क्लिक करके बताता हूँ। जैसा कि हमने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल लिया है, नीचे हमने कैप्चा भी डाल लिया है, यहाँ पर अपना कुछ डिटेल्स ब्लर कर दिया है जिससे कि जो कि यूट्यूब के खिलाफ है, इसलिए हमने यहाँ पर डाटा को है डिटेल को जो है ब्लर करके रखा हुआ है। इसके बाद जैसे हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कैप्चा भी भर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सारा डिटेल्स अपना फिल कर लिया है, यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा भी फिलअप कर लिया है, और हम क्या करते हैं लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारा बर्थ डेट रजिस्ट्रेशन का ये वेबसाइट ओपन हो जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सबसे फर्स्ट वे आपको पेमेंट लोड करनी पड़ती है, वैलेट में लोड करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मुझसे बर्थ सर्टिफिकेट के आईडी लेते हैं तो आपको 300 रुपये में आईडी दिए जाएंगे, जिसमें 100 रुपीज़ आपको वैलेट में दिए जाएंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको ये चार्ज में हो जाने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, यहाँ पर आपको बर्थ का ऑप्शन दिखता है, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इंग्लिश बर्थ रजिस्ट्रेशन, दूसरा है बर्थ हिंदी रजिस्ट्रेशन, तीसरा है बर्थ रजिस्ट्रेशन लिस्ट। आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें जितने भी बनाएंगे उन सबका लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन लिस्ट में। अब हम ये 2 ऑप्शन का इस्तेमाल भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बर्थ इंग्लिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके बनाते हैं, इसमें ये होगा कि आपका जो भी सारा डिटेल होगा, नाम पता, ये सारा आपका इंग्लिश में रहने वाला है। अगर आप दूसरा ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं बर्थ हिंदी रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या होने वाला है कि आपका जो सारा डिटेल इंग्लिश और हिंदी में सारा डिटेल यहां पे दिया जाएगा। तो चलिए हम सेकेंड वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पे देखेंगे कि ये हमारा बर्थ रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आपको लीगल इन्फॉर्मेशन में आपको सारा डिटेल सही से आपको फिलअप करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी गलत डिटेल्स डाल देते हैं तो फिर आपको एडिट करना पड़ेगा, फिर आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं करेक्शन किस प्रकार करेंगे वो उसका भी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगा। तब तक पहले यहाँ पे देख लेते हैं करना क्या क्या है, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, ये चीज़ हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ देख रहा है जेंडर हिंदी है, जैसे आप यहाँ पर इसका आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको खाली छोड़ना है, ये इसका प्रोसेस भी आपको बाद में पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम जो है टाइप कर देना है इंग्लिश में,
इसके बाद जो है यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाने वाला है। अब यहाँ पे आधार संख्या में अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार संख्या डाल देंगे या फिर इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जन्म स्थान में कि आपका जन्म स्थान कहाँ, आपका जन्म हुआ है, वह डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जन्म स्थान आपको लोकल लैंग्वेज में डालना होता है। ये लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल मैं आगे बताऊंगा, डायरेक्टली आपका लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे आपका फिल हो जाने वाला है। अब यहाँ पे क्या करना है, फादर इन्फॉर्मेशन में आपको फादर का नाम आपको टाइप कर लेना है इंग्लिश में। यहाँ पे आपको फादर का आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर आपके पास फादर का आधार नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मदर इन्फॉर्मेशन में माँ का आधार नंबर आपको यहाँ पे माँ का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद जो है क्या करना है, आपको यहाँ पे माँ का आधार नंबर आपको फिलअप कर देना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता का जो है यानी अस्थाई पता जो आपका है वो यहाँ पे आपको डालना है, यानी बर्थ के समय जन्म के समय जो है माता पिता का जो एड्रेस था वो चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे फिलअप करने के बाद जो है आपको नीचे में जन्म के समय का पता, जन्म के समय आपका पता क्या था वो पता आपको यहाँ पे नीचे में फिलअप कर देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज में आपका जो भी लोकल लैंग्वेज आता है, इंग्लिश के साथ आप हिंदी में लिखना चाहते हैं या जो भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो आपको लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद क्या करना है, आपको पंजीकरण की तिथि जो है जैसे यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उस दिन का डेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे टिप्पणी यानी रिमार्क्स में आप कुछ भी दे सकते हैं या फिर इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से उस स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ का आपका जो भी जिला है वो जिला को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप जिला सेलेक्ट करते हैं यहाँ हॉस्पिटल वाला में आपका जो भी हॉस्पिटल आता है या जो भी ग्राम पंचायत हो या भी जो भी हेल्थ सेंटर जो भी आपका यहाँ पे आता है आपको वहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने सारा डिटेल को ब्लर करके रखा हुआ है इसलिए जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। चलिए हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह का डिटेल्स खुल जाता है जिसमें आपका नाम यहाँ पे फादर नेम यहाँ मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एडिट का ऑप्शन दिखाया जाता है जिसमें आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड का और बगल में प्रिंट का ऑप्शन भी दिख जाता है। प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखता है। डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट खुल के आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो यहाँ से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट आईडी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्टली आप उस पर यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपको जो है डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा वहाँ पे आपको कॉल करना है जिसमें आपको बताया पेमेंट का डिटेल भेजा जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। वहाँ पे आपको 300 रुपये पेमेंट करने होंगे जिसमें आपको 100 रुपये वैलेट में दिए जाएंगे और 100 में आप 3 बर्थ सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट क्रिएट करना होगा तो आपको 30 रुपये चार्ज देने होंगे जो कि उस समय आपके वैलेट से करते हैं। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट की आईडी लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देंगे, आपको वहां पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा, क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, आपको पेमेंट करके आपको सक्सेस का आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप भेज देते हैं तो 15 से 20 मिनट में आपको आईडी बनाकर भेज दिया जाएगा, वेबसाइट का लिंक भेज दिया जाएगा और आपका यूजर आईडी पासवर्ड भी भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए।